आफताब को इतने चॉकलेट्स रीटेक्स कर चुका था कि उसको उल्टी आ रही थी, और ये था कि सेट खराब अगर हो गया तो ये हम लोग को सूली से लटका देंगे। तो जैसे ही वो आफताब करने लगा, प्रहलाद का चिल्लाने का, डोंट लेट हिम प्यूक ऑन द सेट, सेट पे एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। फट करके मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और आंखें बंद कर दी, और आफताब मेरे हाथ में उल्टी कर रहा है। रवीना टंडन का नाम सुन के मेरे तो पैर कांपने लगते हैं। कांपने लगते थे या कांपने लगते हैं? और कांपने कांपते रहेंगे। वी मेट इन अ डिस्को एंड वो एकदम सामने बैठी थी, सो देन शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड आई वांट टू डांस, कम यू नो टेक मी ऑन द फ्लो, सो दैट्स हाउ वी फर्स्ट मेट। बहसियत एक्ट्रेस के, बहसियत आर्टिस्ट के, जब आप शुरू हुई थी और जहां पहुंची हैं, जिसके कुछ नमूने हमने यहां भी देखे, उसमें आपको अपने अंदर भी एक एक ग्रोथ का एक एहसास होने लगा है, या आपको ऐसा लगता है कि फलां जो मैं करती थी वो लटके झटके वाले डांस जो मैं करती थी, अब मैं उससे मतलब उब गई हूँ, बोर हो गई हूँ, मैं अब कुछ और करना चाहिए, ऐसा आपको खुद महसूस होता है? पहले तो मैं आपके साथ खड़े होके आपके साथ बात करना चाहती हूँ। अरे प्लीज। मैं तो खुद अपने आप पर जोक मारती थी कि मैं तो चित्रहार क्वीन हूँ, लेकिन एक ऐसा मुकाम था जहाँ मैं मोहरा कर रही थी, दिलवाले इम्तिहान ऐसी पिक्चरें की, वेयर आई वॉज प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट और द कैरेक्टर और द मेन रोल। एंड उसके बाद हाँ, जब मैंने रीस्टार्ट किया तो बहुत ये ऐसे सॉन्ग्स एंड खाली 5-6 सीन्स वाले फिल्म्स, जो एक्शन पिक्चरें जिन्हें कहते हैं, जिनमें हीरोइन का ज़्यादा काम नहीं होता है, बट हाँ हीरो 10 आदमियों को मारता है, वो काफ़ी किया। बट देन उसके बाद एक मुझे लगता है हर एक्ट्रेस की एक कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ होने लगती है, टू अपने आप को चैलेंज करने की, टू एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, अलग तरीके के किरदार निभाने की। एक ही तरीके के रोल्स करते जाओ तो हम अपने आप बोर हो जाते हैं, तो ऑडियंस को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते फिर। लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं। रवीना जी की शुरुआत हम सब की शुरुआत की तरह ही है, इनके माता जी से, इनके पिता। उनको हम दावत देते हैं तशरीफ लाने के लिए। रवीना के पिताजी जो हैं रवि टंडन साहब, बहुत काबिल, बहुत मशहूर और बहुत नामवर फिल्म मेकर हैं। हम बातें कर रहे थे रवीना से, एक तो मैं पहले यही पूछ लूँ कि इनका नाम किसने सिलेक्ट किया था? इस वजह से कि इनका नाम रवि है और मेरा नाम वीना है, तो दोनों को मिला कर के रवीना नाम रखा गया। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये पता नहीं कहाँ से कचरे में से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उठा करके लेके आई, और जबकि मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और इसने कहीं अपने बेड के नीचे उसको छुपा करके रखा हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये बिल्ली का बच्चा कहीं से उठा के आई है। हमारे घर में एक बहुत बड़ा फिश टैंक हुआ करता था, जिसमें इसकी वजह से हमने वो मच्छियाँ भी पाल रखी थी कि ये वहाँ बैठी हुई उन मच्छियों को देखा करती थी, और सडनली मैंने सुना कि ये कह रही है कि म्याऊं, फिश खाओ, म्याऊं, फिश खाओ, और मुझे समझ, क्योंकि इसने मुझसे शायद पूछा होगा कभी कि ये क्या खाती है, बिल्लियाँ क्या खाती हैं, तो मैंने कहा बिल्लियों को फिश का शौक होता है, तो मैंने सोचा ये ऐसे ही बोल रही होगी, किताब में देखा होगा या कुछ ऐसे, मुझे क्या मालूम कि उस टैंक में इसने बिल्ली का बच्चा डुबो दिया। और अरे मामा, एक और साहब से बात करता हूँ जो आपको उन दिनों से जानते हैं, सुब्रोटो रॉय साहब। सर आप भी रवीना जी को बहुत जमाने से जानते हैं, और बहुत जब इनकी मतलब बहुत लड़कपन के दिन थे तब से जानते हैं, तो ये आपकी जान पहचान टंडन साहब से कैसे हुई, रवीना से कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। टंडन साहब तो भाभी दोनों लखनऊ आए हुए थे हमारे खास फंक्शन में, और बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा इन दोनों को, फिर मैं एक बार बॉम्बे पहुंचा तो फिर ये मिली। और फिल्मों से काफ़ी पहले की बात, और ऐसे ये तो बहुत सुंदर है, उस समय और ज़्यादा सुंदर थी, तो हम लोगों ने यही कहा भाई तुझे सिनेमा में जाना चाहिए, तो कहते नहीं। तो ये उस वक्त क्या करने की सोच रही थी जब आप कह रहे थे? हमसे कही थी भैया आके बिजनेस सीखेंगे तेरे से, और खूब बिजनेस करेंगे, देश दुनिया में बहुत काम करेंगे, बहुत लोगों की नौकरियां लगेंगी, बहुत अच्छे बातें होंगी समाज देश के लिए, ये सब बातें बहुत करती थी। जरा इधर से इसको फुर्सत मिल जाएगा जब,
तो बहुत कुछ करेगी आगे। बहुत कुछ कर सकती है, बहुत करेंगी भी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इनको जल्दी फुर्सत देने वाली नहीं है। ये तो है, पिछले 5 साल से अब तक जो है रवीना की कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते और जो आप जानती हैं? सारी शैतानियां इकट्ठी करी है, जी 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 जी, झाड़ू इकट्ठे लगाए हैं। बड़ी खुशी होती है जब मुझे प्यार से फोन में कहती है हाय माँ। शी कॉल्स मी माँ, बिकॉज़ मैं इसको टोकती बहुत हूँ। इनकी ऐसी और बहुत सी ऐसी वैसी सीक्रेट जानने के लिए हम कुछ और लोगों को बुलाते हैं, आप प्लीज तशरीफ। ये है अफीफा, इसको फीफी बोलते हैं प्यार से, और बेबा बोलते हैं। ये है प्रीति, इसको प्रीतम सिंह बोला जाता है। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से प्रीतम सिंह, क्योंकि हम सबकी बॉस है। ये तो गलत करिए, ये तो ठीक करिए, ये गलत है, आई डू नॉट अग्री विद दिस, इसका पूरा चलता है। और ये है यस, ये है यास्मिन, और ये है, इसको प्यार से हम लोग यास बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, जो मन में आता है मोस्टली। ये सब सबसे बुलीड है ये, क्योंकि सब हम सब इसको ही बुली करते रहते हैं। ये एक खूबसूरत से कटोरे में कुछ चिट्ठियां फरमाइशें आई हैं, तो आप जो चाहे उसे निकाल लें। चलो ये हम भी इसके बारे में कुछ जाने। Yes, you have to, आपको गाना पड़ेगा। हाँ, यास्मिन की फरमाइश है, कहती है दिस माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम ये वादा रहा। अच्छा, खाली एक एक लाइन। I like that line. मेरे प्यार की कोई खुशियाँ लूटे मिल जाए इस तरह। बहुत फिल्मी हम लोग। दो लहरे जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ये हम लोग के कॉलेज के टाइम का, कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज के टाइम पर हम लोग लंबे लंबे ड्राइव्स पे जाते थे, तो वेरी वेरी कॉफी पीने के लिए, तो वेरी गर्ली सॉन्ग हम लोग का फेवरेट था। पे आप किसके साथ जाते? बेबा की शादी नहीं हुई थी, यास्मिन की नहीं, हम लोग साथ में, हम लोग एवरी इवनिंग वी हैव टू मीट। हम लोग की एक जगह बनी हुई है सहार एयरपोर्ट बॉम्बे का, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग 5 रुपए की 10 रुपए की कॉफी पीते हैं, गपशप गप 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 मारते हैं, एक दूसरे को घर पे छोड़ के हम लोग घर चले जाते हैं। दैट्स आवर आउटिंग फॉर द। देखिए हम लोग कितने शरीफ लोग हैं बेचारे, जीना इसी का नाम है प्रोग्राम वाले, कि हमने सोचा कि ये इनका रूटीन जो है खराब ना हो जाए, इसलिए आज शाम आपकी बेकार ना जाए इनको बुला लिया। हमारे लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, हम कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा ये गाना है वो कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, लेकिन अभी इन लोग इंतजार नहीं, इन दोनों की शादियां हो चुकी है, इन लोग इंतजार करने और प्रीतम सिंह इंतजार कर रहे होंगे। Okay? Okay. Oh God, you all are so embarrassing. No, no, come on, it's us singing. I'll meet me later. Hoga, wo mera intezaar, jiski tamanna main firti hoon bekarar. Dude, you better be good. You better be good. Acha, ye ek aur request hui. Oh God, please, yaar. Please. Okay, okay. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ऑडियंस कम ऑन, नजर नहीं चुराना सनम, यू ऑल नो द सॉन्ग, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, विजय भैया, कहीं बदल ना जाना सनम। बस थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रवीना, आप जो मुझे ढेर सारे वाकयात बता रही थी ब्रेक में, उनमें से एक जो सबसे मतलब माइल्डेस्ट है वो आप बताएं। नहीं, ऐसा हुआ कि अफीफा, प्रीति और यास्मिन और मैं, हम वही हमारी एक ड्राइव के लिए जा रहे थे कॉफ़ी पीने, और एक यंग कपल था दूसरी गाड़ी में, मुझे पहचान लिया लड़के ने, तो वो कुछ तंग करने लगे हम लोग को, थोड़ा छेड़छाड़ी करने लगे, तो अब जो हमारी फ्लाइंग टाइग्रेस है उनका पारा थोड़ा चढ़ने लगा, तो एक सिग्नल पे आके गाड़ी रुकी और उसने ऐसे खिड़की नीचे करके उसने कुछ कह दिया, अरे व्हाट यू गर्ल्स आर एक्टिंग स्मार्ट और समथिंग। इसके पहले कि मैं कांच नीचे करके उसको जवाब दूं, एक मेरे बोनेट से आगे एक चीज उड़ती हुई नजर आई दूसरी गाड़ी के ऊपर, लड़के को बाहर निकाला गया, एंड हमारी फ्लाइंग टाइगर से अफीफा जी वो एक दो जमाने लगी उसको धपा धप। उसके बाद हम लोग चारों जो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बेस्ट है, जब ये आके गाड़ी में बैठी तो इनके हाथ में एक बालों का गुच्छा था। भाई मेरी मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स झांसी की रानी पर कोई फिल्म अगर बना रहे हो
तो कास्टिंग के लिए ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत। हाँ, तीन चार यही मौजूद। टंडन साहब ने अभी बताया कि इनकी एक्शन सीक्वेंसेस की शुरुआत भी बहुत बचपन में हो गई थी। सच्चाई ये कि इनकी मॉडलिंग की शुरुआत भी जो है मेरा ख्याल है बहुत बचपन से ही हो गई थी। 13-14 साल की बात है, दिस सेम वेरी सेम एल्बम। और मुझे अभी याद है कि वो मेरी भी पहली एल्बम थी और रवीना आंटी के साथ आ रही थी मुझे पिकअप करने के लिए। एंड माई मदर ऑल्सो शी वॉज एक्सपेक्टिंग आई थिंक की you know it was a snob model kind of model jaise you know snob jiski badi ego hogi ye wo I don't think we will ever puri life history khol di humne from the taxi se leke studio tak hello to malum hai mere dada ke dada the to par aisa hi kuch hua aur uske baad bhi I mean it's been 14 saal to hue hain lekin hamari dosti utni pakki rahi hai I'd like to share this special moment is that jo hum log ne first ad kiya saath mein वो भी ऐड यही था कि मैं गाड़ी से जैसे आपने ऐड देखा मैं गाड़ी से निकलती हूँ आई एम अ स्टार एंड एग्जैक्टली वन ईयर लेटर फ्रॉम दैट ऐड माय फर्स्ट मेरी पहली पिक्चर जो पत्थर के फूल थी उसका प्रीमियर था और उसी तरह मैं और सुचित्रा दोनों साथ में प्रीमियर नाइट पे दोनों गाड़ी से उतरे वी वॉक्ड अप द स्टेप्स टुगेदर होल्डिंग शी वाज होल्डिंग माय हैंड इट वाज माय फर्स्ट प्रीमियर एंड द सेम वे पीपल केम एंड साइंड ऑटोग्राफ्स एंड अ क्राउड केम एंड आई कुड सी सुचित्रा जस्ट स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइक दिस लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। मैं इनके एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से कोई एक इनके दोस्त हैं वो इनसे कुछ कहना चाहते हैं। स्लेव्स भाग नहीं सकते, स्लेव्स इस्तीफा नहीं दे सकते, सिर्फ बिक सकते हैं। रवीना तुम फरार हो मेरे दफ्तर से। सो आई स्टिल हैवंट सोल्ड यू। प्रहलाद कक्कड़ साहब को आप परिचय के मोहताज नहीं है, मतलब मैं उनका बॉस था। रवीना एक दिन मेरे दफ्तर आई मॉडलिंग करने जी और इधर उधर देखा कि इधर बहुत मजा आता है लोगों को। मैंने कहा जरूर पैसे वैसे भी मिलते हैं सर? हाँ कभी कभी पैसे भी मिलते हैं कभी कभी। तो वो बोलती कि मैं इधर काम कर सकती हूँ बीच बीच में जब शूटिंग वूटिंग नहीं होती मेरी। मैंने कहा कल सुबह से 9 बजे पहुँच जाओ। पहुँच गई उसके बाद ट्रैप्ड। प्रहलाद जी के यहाँ ट्रैप्ड मतलब कि हम लोग ने जो इनके यहाँ काम करते थे हम लोग ने एक बड़ा बिलबोर्ड बनाया था और उनके ऑफिस के कैबिन में लगा दिया था कि स्लेव्स कैनॉट रिजाइन कैनॉट लीव दे ओनली गेट सोल्ड। मतलब वंस यू ज्वाइन जेनेसिस यू कैन नॉट लीव। आप इस्तीफा तो इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट आपसे काम क्या करवाते प्लीज। मैंने सेट के स्टूडियो के सेट पे कट का मारा है, झाड़ू मारा। एक मॉडल था हम लोग कैडबरी ट्विस्ट की ऐड कर रहे थे। आफ्ताब मॉडल था जो अभी हीरो बन चुके हैं आफ्ताब शिवदसानी। तो उस वो एक्लेयर की ऐड कर रहा था और आफ्ताब को इतने चॉकलेट्स रीटेक्स कर चुका था कि उसको उल्टी आ रही थी और ये था कि सेट खराब अगर हो गया तो ये हम लोग को सूली से लटका देंगे। सफेद सेट था एकदम। मुझे क्लियरली अभी भी इंसिडेंट याद है। तो जैसे ही वो आफ्ताब करने लगा प्रहलाद का चिल्लाने का डोंट लेट हिम प्यूक ऑन द सेट। सेट पे एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। फट करके मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और आंखें बंद कर दी और आफ्ताब मेरे हाथ में उल्टी कर रहा है और वो इकट्ठा करके वो थूक रहा है वो चॉकलेट और मैं भाग रही हूँ और ये उधर हाँ 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 इनकी बस हंसी सुनाई देती थी। ये मुद्दे की बात आपने बताई नहीं उसमें इनकी तनख्वाह क्या थी? Tanka, are you joking? She had to pay me. I was training her. What Tanka? आप काहे की बात कर रहे हैं? कौन हैं आप? लेकिन मुझे याद है मेरे फर्स्ट एड मैंने इनके लिए किया था बिस्का नूडल्स का ही एक बार एड कर रहे थे शायद। तो मेरी फर्स्ट जो मुझे पे मिली एड की नॉट दिस आफ्टर एन इंडिविजुअल एड इन्होंने आखिरकार कुछ दिया था जरूर वाज 500 रुपीस आई रिमेंबर दैट वाज माय लोएस्ट आई हैव एवर टेकन एज इन यू नो माय फर्स्ट फीस। अब हम उस दौर रवीना की करियर की रवीना की ज़िंदगी के उस दौर की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं जिसके लिए वो आज बहुत मशहूर हैं वो है उनकी फिल्म करियर का। हाय रवीना दी, आई एम रियली सॉरी आई कुडंट कम फॉर शो बिकॉज आई एम शूटिंग इन जोधपुर। रवीना दी द वे यू कॉल मी बेटू एंड बेटा इट रियली टचेज माई हार्ट बिकॉज यू नोन मी सिंस आई वॉज अ चाइल्ड
and before you even got into film industry. So both of us share a very special bond that very few people know about. And I don't want to talk about it on TV. And I just pray to God that whatever happens in your life, like, you get the best because you deserve the best. And I'm really proud that I know you. And even I'm a special part of you. Thanks. Take care. भाई, ये क्या बात है? मतलब क्या किस वो सीक्रेट के बारे में जिक्र कर रही है? सीक्रेट नहीं है, ये कहना चाह रही है कि वाई आर वी सो क्लोज. बचपन से मैंने उसको ऐसे देखा है और ये अभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और तभी भी नहीं बतली है. अभी भी बेझिझक को आके सेट पे वो चिल्लाती है, रवीना दीदी, जोर से भाग के आएगी एंड शी विल हग मी एंड दैट वार्मथ इज देयर इन हर एंड दैट इज सो स्पेशल. इट्स स्पेशल बिटवीन अस. हाय रैव्स, दिस इज सुनील. सुनील शेट्टी, ऑफ कोर्स यू नो मी. आई एम नॉट देयर फॉर योर शो, बट I'm always there for you, you know that. I'd call her my boyfriend, and I don't know what she calls me, but... Yeah, my boyfriend too. Even my wife shares the same feeling about her. Extremely fond of her. So also Tia. I share a great rapport with her. That's because she's blunt, she's honest, and she's a tomboy. So that's why I call her a boyfriend. Ye sabki dadi hai. Matlab wo... Like you were saying, na, you probably take over from her, but she takes over from everybody else. Like she's, I call her my guru. And we chase the same dreams. अच्छा. I mean, you know what I mean. इसी किस्म के decisions के बारे में बताने के लिए इनके को एक और boyfriend आ रहे हैं. बहुत खूबसूरत से boyfriend हैं. Please तशरीफ लाइए, John Abraham साहब. वी मेट इन अ डिस्को एंड वो एकदम सामने बैठी थी. सो देन शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, आई वांट टू डांस, कम यू नो, टेक मी ऑन द फ्लो. सो दैट्स हाउ वी फर्स्ट मेट. शी इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. शी इज जस्ट वन ऑफ द बॉयज एंड आई लाइक दैट अबाउट हर. टॉम बॉय एंड वन ऑफ द बॉयज. टॉम बॉय इज वन ऑफ द बॉय, अनदर बॉयफ्रेंड. मेनी अ टाइम्स एट द एयरपोर्ट ऑल्सो, जब वो उतरती है प्लेन से, शी वेट्स देयर. And I come with my motorbike with another helmet and I say, chalo, let's sit on the bike. Aur jo public wahan pe hai, they just stand and they look at her, ye kya kar rahi hai, pagal hai kya? And suddenly this bike will come, she'll sit with the helmet and we'll go off sometimes. Toh aapko bhi aisa lagta hai ki ye helmet mein zyada achhi lagti hai? Bahut pyari lagti hai helmet. Acha, abhi jab sabki pole khul rahi hain, to main bhi yahan pe kuch pole kholna chahti hu. Ji ha. Asliyat ye hai ki jo meri friends hain, teeno mein se ek hai who had a massive crush on John. तो उसने कहा था, रैव्स, तू फिल्म्स में तू उसको जानती होगी, तू यार एक प्लीज यार हाय हेलो उसको बोलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं. तो मैंने सोचा, मैं कहा ठीक है, आई एम अ सीनियर एक्ट्रेस, ही इज अ जूनियर आर्टिस्ट. जूनियर आर्टिस्ट. अच्छा. तो ऐसा हुआ कि ये वहां पे किसी लड़की के साथ डांस कर रहे थे बड़े धूमधाम से. तो मेरी जो फ्रेंड है, प्लीज आज पोल खोल दो क्या. Besides that, what I found in John is that he is one of the most genuine friends. मोहरा से पहले एक वक्फा, एक पॉज आपने लिया था. तो ये पॉज आपने क्यों लिया था? इसके दौरान जो है आपको क्या मुश्किलें पेश आई हैं? कभी आपको ऐसा लगा आपने गलत फैसला ले लिया है, या जब आप लौट के आई तो कैसा रहा? मैंने ऑलवेज ये सोचा था, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी शुरुआत ये हुई कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बन जाऊंगी, या I was very ambitious, yeah, very very career oriented. लेकिन हाँ, ये सोचा था कि I will settle down, के 5-6 साल काम करके I'll settle down and I'm basically quite a home bird kind of a thing. And so it was a voluntary decision on my part. I had in the middle thought of getting engaged and settling down, but the minute that didn't work out, I restarted my career. आपने जब नए सिरे से शुरू किया, तो वो पीरियड आपके लिए कैसा था? उस मकाम तक पहुंच गई थी मैं जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था. इन अ वे, नीदर डिड आई हैव अ पर्सनल फ्यूचर, नीदर डिड आई हैव अ प्रोफेशनल फ्यूचर. मुझे लग रहा था कि मैं कम्प्लीटली जीरो हो गई. लेकिन हाँ, जो मैंने स्ट्रेंथ, आप ये जितने लोग आज यहाँ देख रहे हैं, ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, आई थिंक इफ दे वर नॉट देयर फॉर मी, शायद मैं बिखर सकती थी उस समय. और इन लोगों की वजह से शायद कि आज मैं वापस अपने पैरों पर खड़ी हूँ. आई हैड द स्ट्रेंथ to restart, and I did restart, and here I am. And you took quite and, a start. Yeah, and friends like Sunil, Jackie, Sanju, Govinda,
I'll never forget because Sunil always used to tell me ke Raveena you have it in you, don't give up now, you're at your peak, you're at your highest, abhi mat tu, you know, don't give up now. And the minute I wanted to restart, I called up, that's why I called them my friends because they're true friends, because the minute I called them up and I said, you know, Sunil मुझे लगता है मुझे फिर शुरू करना चाहिए और मेरा फर्स्ट कमबैक सॉन्ग जैसे कह सकते हैं वो शहर की लड़की जो गेस्ट अपीयरेंस था बिकॉज दे वर इन ट्रबल एंड आई सॉर्ट ऑफ हेल्प देम आउट एंड अशोक होंडा जो प्रोड्यूसर था वो आई रिमेंबर ही ब्रॉट वन सूटकेस फुल ऑफ मनी जब पिक्चर हिट हो गई और गाना हिट हो गया मैंने यही बोला मैं कहा तुम्हारी और सुनील की वजह से जो एप्रिसिएशन मुझे इस गाने में मिला है और जो वापस मुझे काम मिला है तुम जितना भी पैसा मेरे सामने ला के डालोगे वो काफी नहीं होगा मैं कहा यू ऑल्सो टेक दिस मनी एंड यू ऑल्सो गेट आउट फ्रॉम हियर You all are my friends, and that is it. And that's how we've all stuck by each other, I guess. There's somebody else who has something very nice to say to you. वो आपसे मिलना चाहते हैं. You can hug me. I don't bite. राकेश मेहरा साहब बहुत काबिल डायरेक्टर हैं. बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी हम सब ने देखी. अक्स राकेश साहब आपने जब इनको साइन किया तो क्या सोच कर या क्या देख कर साइन किया होता क्या है कि हर एक डायरेक्टर के एक कल्पना होती है देयर इज इमेजिनेशन यू हैव एंड फॉर द कैरेक्टर ऑफ नीता आई आल्सो हैड माय स्टूपिड इमेजिनेशन एंड थिंग ऑफ दैट एंड वन डे आई कॉल्ड रवीना अप एंड आई सेड आई वांट टू मीट यू शी वाज वेरी बिजी तब से पहले आप मिले नहीं थे ना ना बिल्कुल मैंने सिर्फ इनकी फिल्में देखी थी और अक्स मेरी पहली फिल्म है तो रवीना टंडन का नाम सुन के मेरे तो पैर कांपने लगते हैं कांपने लगते थे या कांपने लगते हैं और कांपते रहेंगे जिस समय ये नरेट करना इन्होंने शुरू किया मैंने जो इनके आंखों से लिटरली आई कुड सी द कैरेक्टर थ्रू हिज आईज जो जैसे इन्होंने नीता को देखा था मैं वही देख रही थी जैसे ये पिक्चर देख रहे थे मैं वही देख रही थी एक और चीज जिसके लिए रवीना मशहूर है एक और साहिबाज हैं जो उस किस्म के कपड़े बनाने के लिए मशहूर हैं और रवीना की बड़ी फैन भी हैं मैं उनको दावत देता हूं स्टेज पर आने के लिए एना सिंह आपकी और रवीना की प्रोफेशनल रिलेशनशिप कब से शुरू हुई एक्चुअली वी मेट अबाउट 12 इयर्स अगो 12 साल पहले जी जब ये नवे नवे आए थे हमें कुछ 2 साल हुए थे तब काम स्टार्ट किए फिर हम लोग मिले और फिर हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बना जिसमें ये मनीषा और पूजा हम लोग यू नो ऑल फोर ऑफ अस यूज्ड टू काइंड ऑफ हैंग आउट टुगेदर एंड हैव दिस फेमस गर्ल्स नाइट एंड देन आफ्टर अ पॉइंट वी काइंड ऑफ लॉस्ट टच विद ईच अदर यू नो फॉर अ व्हाइल बट इट वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज पीपल We weren't working with each other for a while in the middle, and I used to hear, you know, other people saying things, and then promptly call her and say, "See, this is what's happening. Be careful, be careful," because they never made the connection between us. एक एना के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि there's always a person जो करियर में होता है, जो एक आपके पीछे होता है, जो एक quiet strength होता है. Believe me, आज तक मेरे को कोई professional problem होती है या I'm in a mess या कुछ किसी ने कुछ कर लिया है. She's the first person जिसको मैं फोड़ती हूँ. एक बहुत मशहूर फिल्म थी जिसने इनको बड़ा मान सम्मान दिलाया मैं उनको बुलाता हूँ जो उसकी बात करते हैं कल्पना लाजमी जी तशरीफ लाएं कल्पना की फिल्म दमन में रवीना को नेशनल अवार्ड मिला था वेल डिजर्व्ड वन Well deserved. कल्पना आपका अनुभव रवीना के साथ काम करने में कैसा रहा जब ये मेरी चौथी फिल्म दमन जब मैंने लिखा आई वॉज वंडरिंग हु वुड डू दिस रोल बिकॉज आई हैड सो लिटिल मनी टू मेक दिस फिल्म क्योंकि जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं उनको अगर ऑडियंस तक पहुंचाने पड़ेगी तो वी नीड द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड है सुभाष झा जर्नलिस्ट हैं पटना के उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि यू नो टुमारो इज रवीनाज बर्थडे अक्टूबर 26 एम आई राइट सो ही सेड व्हाई डोंट यू जस्ट अप्रोच हर तो मैंने फोन किया एंड शी डिडंट इवन रीड माय स्क्रिप्ट डिडंट वांट टू नो व्हाट द सब्जेक्ट वाज डिडंट आस्क मी व्हाट द प्राइस
I was supposed to pay her. And she said, you've given me my birthday gift, and that's how we started Daman together. I was too thrilled. I couldn't believe it, did you? Daman jo hai, inki career ke ek high points mein se isliye bhi rahegi, kyunki inko Hindustan ka sabse prasiddh paritoshik jo hai, national award, वो दमन के लिए मिला था. रवीना, एक इस अवार्ड के सिलसिले में एक बड़ा हंगामा भी उठा था, बड़ी चर्चा भी हुई थी और बहुत विवाद में था ये अवार्ड. उससे आपका आपका क्या रिएक्शन था? एक तो शॉक लगा कि ये जो इंसान थे ये क्या बोल रहे हैं. मैंने उनको सीधे उनके मुंह पे पूछा. मैंने कहा कि आपने कहा कि मैंने फिलहाल गवर्नमेंट है उनके लिए कैंपेन किया, इसलिए वो खुश होकर उन्होंने मुझे दे दिया. तो आप मुझे एक तस्वीर या एक न्यूज़ रील कुछ प्रूफ तो होता कि मैं कैंपेन कर रही हूँ. आज सब स्टार्स कैंपेन कर रहे हैं, सब पेपरों में उछाला जा रहा है सब जगह. तो उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने बहुत झिझक से कहा कि आई'd लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज टू यू. और मुझे उस समय इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये दो दिन से ही इज क्वेश्चनिंग माय इंटेग्रिटी इन फ्रंट ऑफ द होल क्वेश्चन, और एक सॉरी बोलने से उनका सब खत्म हो गया. लेकिन उस समय मीडिया ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया, तो वो बात समझ में नहीं आई. लेकिन खैर, आई थिंक इट्स ऑल टू सी. दिस ईयर आई बैग्ड ऑल द अवार्ड्स फॉर अक्स एंड मेरा एंड मी एंड कल्पना विल कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर एंड आई थिंक वी विल डू इट अगेन. उन दिनों में जब ये चर्चा बहुत गर्म थी, तब एक और साहब थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसमें अपनी राय जाहिर की थी और बहुत खुल के और बहुत एम्फेसिस के साथ जाहिर की थी. मैं दावत देता हूँ स्टेज पर आने के लिए महेश भट्ट साहब. मेनस्ट्रीम सिनेमा की कलाकार को एक नेशनल अवार्ड मिला, ये बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को. उस वक्त आपके तासुरात क्या थे, आपके ख्याल क्या थे? ऐसे मौके पर कॉन्ग्रेचुलेट करना छोड़ो, आप तोहमत लगा रहे हैं और आप उसने जो राइटफुली कमाया है उससे छीन रहे हैं. तो मुझे लगता है कि शेर के मुंह से हड्डी निकालना और हिंदुस्तानी आदमी से तारीफ करवाना बहुत मुश्किल काम है. मैंने इस बच्ची को फोन किया, मैंने कहा बेटा देखो डरना नहीं, बिल्कुल गो आउट एंड ग्रैब द पावर बिकॉज़ यू डिजर्व इट. इसके बाद जो है दो और मेहमान यहां आने वाले हैं, उनके बारे में मैं बहुत सही तरीके से अगर बताने की कोशिश करूं भी तब भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता. मैं ये कहूंगा कि रवीना खुद उनके बारे में बयान करें. पूजा और छाया तशरीफ लाएं. हेलो बेबी. ओह गॉड, ये मेरी भांजियाँ हैं दोनों. और बस मेरी भांजियाँ हैं, आई लव देम वेरी मच. एंड फॉर मी मोर देन अ बुआ, शी इज माय मॉम. शी इज अ फ्रेंड, अ सिस्टर. ये रट के आई है? नो, शी इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी. आई शेयर एवरीथिंग ऑफ माइन विद हर. She's my mom, she's my god, she's everything for me. Love you. No, these yes, they are my daughters and my best friends, and I think there was in my life, if there was anything that was jo missing tha ek complete picture banane ke liye, agar ek tukda jo missing tha, ye jab se मैं इनको जानती हूँ और ये मुझे जानती हैं, वो माय लाइफ इज कंप्लीट. एक्चुअली तस्वीर मुकम्मल हो गई. हाँ जी, माय लाइफ इज कंप्लीट एंड आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर दैट. आई डोंट मिस एनीथिंग इन माय लाइफ. आई हैव माय पेरेंट्स, आई हैव माय फ्रेंड्स, आई हैव माय फैमिली एंड आई हैव माय गर्ल्स एंड आई हैव माय ब्रदर्स एंड आई हैव एवरीथिंग. थैंक यू. उनके भाई से मैं कहूंगा कि वो दो शब्दों में रवीना को सम अप करें. ऐसा है कि बात भाई की आई है, मगर एक 10-12 साल पहले की किस्सा मुझे कहना होगा. एक बार एक सहारा का ही फंक्शन था, डिनर था, तभी उसकी एक ही दो फिल्म पूरी हुई थी, तो काफ़ी इसकी शोहरत थी. इसको जर्नलिस्ट भाइयों ने बहुत घेर रखा था, बहुत उठपटांग सवाल कर रहे थे और ये बहुत परेशान थी. बहुत जोर से चिल्लाई, भैया इधर आ, मैं भाग के गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आई. हाथ में हाथ डाली और कह, हाँ फोटो खींचो, जो सवाल था जवाब ये है, लो
तो मैं ये कहूँगा जो आपने एक भाई को कहा समाप्त करने के लिए, मैं तो समझता हूँ ये मेरे बेटी ज्यादा अच्छी है बहन से।